हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज 29 नवंबर है। आज से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क कब तक उपलब्ध होगा? ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। आपको आंसर बता दें, आंसर सी 2022। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, 2022 में 5G तकनीक की अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवाएं भारत में सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट एरिक्सन द्वारा जारी की गई है। आपको याद रखना, भारत में कब तक उपलब्ध होने की उम्मीद है? 2022 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में डबल ट्रैप राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? ए संग्राम दहिया, बी वर्षा वर्मा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर सी उपर्युक्त दोनों। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें, संग्राम दहिया और वर्षा वर्मा ने नई दिल्ली में 63वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर डबल ट्रैप का खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि उन्होंने किया है, संग्राम दहिया और वर्षा वर्मा ने, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कौन सी थी? 63वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में फ्लोटिंग स्कूल परियोजना को किस देश में सम्मान मिला है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी जापान। आपको आंसर बता दें, आंसर ए बांग्लादेश। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, बांग्लादेश में फ्लोटिंग स्कूल परियोजना में आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है। यह स्कूल स्थानीय लोगों के लिए एक आश्रय, डे केयर केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। गरीब परिवारों में आने वाले ग्रामीण छात्रों के जीवन में सुधार में परियोजना के योगदान की सराहना की है। आपको याद रखना है, कहाँ किया था? बांग्लादेश में। कौन सा अवार्ड? आगा खान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में सब्सिडी सर्विसेज आवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए नितिन गडकरी, बी हरदीप सिंह पुरी, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर बी हरदीप सिंह पुरी। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में क्रेडिट लिंक्ड सर्विसेज आवास पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का उपयोग करके एक लाभार्थी वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। आपको याद रखना है, किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, हाल ही में लोकपाल का लोगो कहाँ लॉन्च किया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी लखनऊ। आपको आंसर बता दें, आंसर ए नई दिल्ली। के बारे में आपको जानकारी बता दें, लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने नई दिल्ली के एक समारोह में लोकपाल का लोगो लॉन्च किया है। आपको याद रखना है, किसने किया है? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने, और जो वर्तमान में भारत के लोकपाल भी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छः, हाल ही में 4 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट समारोह का समापन कहाँ हुआ है? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। आपको आंसर बता दें, आंसर बी वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, तीसरा सैन्य साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए चंडीगढ़, बी भोपाल, सी कानपुर, डी कोलकाता। आपको आंसर बता दें, आंसर ए चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में रेलवे ने वित्तीय प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ की है? ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर ए हैदराबाद। आपको याद रखना है, रेलवे ने वित्तीय प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ की है? हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण
की घोषणा की है, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी पंजाब। आपको आंसर बता दें, आंसर बी मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है कहाँ की सरकार ने किया है 5% आरक्षण देने की घोषणा, मध्य प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ए भुवनेश्वर, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर ए भुवनेश्वर। आपको याद रखना है जनजातीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर में। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसी करंट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।